हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रक्सौल तक चलने वाली करम भूमि एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है करम भूमि एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रक्सौल के बीच में चलती है। यह वीकली ट्रेन है। मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से यह हर सोमवार को रक्सौल के लिए रवाना होती है। और इस ट्रेन का अगर हम बात करें तो ये फुली अनरिजर्व ट्रेन है और ये सुपरफास्ट ट्रेन है। इस ट्रेन का जो नंबर है वो है 12546 और ये ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे द्वारा चलाई जाती है। करम भूमि एक्सप्रेस जो है मुंबई से रक्सौल की जो दूरी है ये 37 घंटे 25 मिनट में पूरी करती है और इसके तकरीबन 20 स्टेशन हैं। 2040 किलोमीटर के करीब जो है ये अपनी यात्रा कम्प्लीट करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 55 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें करम भूमि एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो इसमें सिर्फ अनरिजर्व कोचेस होते हैं। तो जो इसमें मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रक्सौल तक का जो किराया वो है लगभग 430 रुपये। ये अपडेटेड किराया नहीं है। आप अपडेटेड किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट जरूर एक्सप्लोर करें। इसमें तकरीबन जो है 22 से 24 कोच होते हैं, फुली अनरिजर्व कोचेस होते हैं, यानी कि आपको टिकट जनरल टिकट लेके आप इस ट्रेन में चढ़ सकते हैं। और इसमें ICF के CBC कोच है। अगर हम बात करें मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस रक्सौल करम भूमि एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में तो इसमें इसके तकरीबन 20 स्टेशन हैं। मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ये जो ट्रेन है हर सोमवार को चलती है सुबह 11:20 पे और इसके तकरीबन 20 स्टेशन हैं रक्सौल बिहार तक। और ये जो ट्रेन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के थ्रू बिहार में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। दूसरा जो स्टेशन आता है वो है कल्याण जंक्शन। यहाँ पर ये 11:57 पे पहुँचती है सुबह और 12 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद करम भूमि एक्सप्रेस जो है वो मनमाड़ जंक्शन में पहुँचती है। मनमाड़ जंक्शन में ये ट्रेन जो है 3:48 पे पहुँचती है और 3:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है दोपहर को। यहाँ तक की जो टोटल जर्नी है ये 244 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भूसावल जंक्शन में पहुँचती है। भूसावल जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 6:10 पे पहुँचती है और 6:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के खांडवा जंक्शन में पहुँचती है रात के 8:35 पे और 8:40 वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इटारसी जंक्शन में पहुंचती है रात के 11:05 पे और 11:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 735 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जबलपुर जंक्शन में पहुंचती है। जबलपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 2:30 पे पहुंचती है और 10 मिनट बाद 2:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 980 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये कटनी जंक्शन में पहुंचती है रात के 3:50 पे और 3:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के आखिरी स्टेशन सतना जंक्शन में पहुँचती है। सतना जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 5:10 पे पहुँचती है और 5:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शिवकी जंक्शन में पहुँचती है। इलाहाबाद शिवकी जंक्शन में ये ट्रेन जो है शिवकी जंक्शन में ये ट्रेन जो है 9:07 पे सुबह पहुंचती है और 9:12 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मुगलसराय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 12:13 पे और 12:23 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बिहार में पटना जंक्शन में पहुँचती है दोपहर के 3:20 पे और 3:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बरौनी जंक्शन में पहुँचती है शाम के 6:40 पे और 6:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है समस्तीपुर जंक्शन में पहुँचती है। समस्तीपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 8:10 पे पहुँचती है और 8:16 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 6 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दरभंगा जंक्शन में पहुँचती है रात के 9:05 पे और 9:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये कामतोल स्टेशन में पहुंचती है। कामतोल स्टेशन में ये 9:28 पे रात को पहुंचती है और 9:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस रक्सौल करम भूमि एक्सप्रेस जो है वो जनकपुर रोड में पहुंचती है रात के 9:28 पे और 9:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है 9:46 पे पहुँचती है और
48 मिनट पर चल पड़ती है। सीतामढ़ी में ये जो ट्रेन है रात के 10:35 मिनट पर पहुंची और 10:45 मिनट पर वहाँ से 40 मिनट पर रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बरंगनिया स्टेशन में पहुँचती है, जो कि इसका सेकंड लास्ट स्टेशन है। यहाँ पर ये 11:05 मिनट पर रात को पहुंचती है और 11:07 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद ही ये कर्मभूमि एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन रक्सौल जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:45 मिनट पे और अपनी 2040 किलोमीटर की जर्नी जो है ये समाप्त कर लेती है। दोस्तों इसी के साथ मुंबई रक्सौल कर्मभूमि एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।